नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी न्यूज में। एयरपोर्ट पर आधुनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, फायर स्टेशन, कम्युनिकेशन बिल्डिंग और टेक्निकल ब्लॉक तैयार होने जा रहा है। लगभग 80 करोड़ की लागत के इन प्रोजेक्ट का भूमि पूजन रविवार को किया गया। इन प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद एयरपोर्ट से हर 2 मिनट में एक फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड कर सकेगी, यानी घंटे भर में 30 फ्लाइट। ATC टावर काफी पुराना हो चुका है, इसलिए इसे अपग्रेड किया जा रहा है। नया ATC आधुनिक राडार एवं तकनीक वाला होगा। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि 20 करोड़ के प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं, 80 करोड़ की लागत से नए कामों की शुरुआत की गई है। वर्तमान में टेक्निकल सुविधाओं के साथ ATC किसी भी एयरक्राफ्ट को 100 किलोमीटर की दूरी से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन नई सुविधाओं के बाद एयरक्राफ्ट 150 किलोमीटर दूर होने पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा। अभी इंदौर एयरपोर्ट के कंट्रोल में विमानों के बीच की दूरी 10 मील होना जरूरी है। अपग्रेडेशन के बाद इसे घटाकर 5 मील पर लाया जा सकेगा। वहीं आप सभी को बता दे, किसी भी एयरपोर्ट पर बड़े हवाई जहाजों को उतारने के लिए गाइडलाइन के हिसाब से सुरक्षा दिए जाने की जरूरत होती है। वर्तमान फायर स्टेशन से बड़े जहाजों को उतारने का अप्रूवल देना संभव नहीं है। नया फायर स्टेशन बनने के बाद बड़े हवाई जहाज के लिए भी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम इंदौर एयरपोर्ट पर हो जाएंगे। वहीं नई सुविधाओं के पूरा होने के बाद पुराने ATC टावर और फायर स्टेशन का शिफ्ट किया जाएगा और यहां एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने के लिए भी जगह उपलब्ध होगी। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे TV न्यूज़ के साथ।